केरल के सबरीमाला मंदिर में जा रही एक 12 साल की लड़की को रोक दिया गया। लड़की अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। ये घटना मंगलवार सुबह की है। लड़की पांडिचेरी से दर्शन करने पहुंची थी। लड़की और उसका परिवार मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया और एज प्रूफ मांगने लगी। आधार कार्ड देखने के बाद पुलिस ने कहा लड़की को दर्शन करने की इजाजत नहीं मिल सकती। बता दें कि सबरीमाला मंदिर को 2 माह के दर्शन के लिए पिछले हफ्ते शनिवार को खोल दिया गया। पिछली बार छावनी में तब्दील रहे सबरीमाला मंदिर में इस बार शांति दिख रही है। हालांकि शनिवार को केरल पुलिस ने 10 महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया। इससे एक दिन पहले सबरीमाला मंदिर जाने के दौरान 9 साल की एक बच्ची के गले में लटकी तख्ती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तख्ती पर लिखा था, भगवान अयप्पा, मैं अभी 9 साल की हूँ, अब अगली बार 50 साल की होने के बाद इस मंदिर में आऊंगी। ये लाइनें मलयालम भाषा में लिखी थी और इसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था, रेडी टू वेट। 9 साल की बच्ची हृदय कृष्णा अपने पिता हरि कृष्णा के साथ सबरीमाला आई थी। उसने मीडिया को बताया, ये तीसरी बार है जब मैं सबरीमाला आई हूँ। अब मंदिर की परंपरा के अनुसार अब मैं तभी आ सकती हूँ जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी, इसलिए मैंने तख्ती पहनने का फैसला किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पठाना माँ थित्ता जिले की पहाड़ी स्थित सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पाबंदियों को हटाने के बाद भी इन उम्र की महिलाओं को यहां आने को लेकर विरोध जारी है, प्रदर्शन तक हो रहे हैं। बेंगलुरु में रहने वाले केरल के निवासी हरिकृष्णा का कहना है कि वे सबरीमाला मंदिर की परंपरा और संस्कृति को लेकर केवल एक संदेश देना चाहते थे, इसलिए अपनी छोटी बेटी ने अपने गले में यह संदेश लिखी हुई तख्ती पहनी थी।